दुनिया ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी थी जैसी 2020 में कोरोना वायरस आने के बाद देखी गई। दुनिया के नक्शे में शायद ही कोई जगह बची हो जहां कोविड 19 का असर नहीं देखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी जगह थी जहां तक कोरोना वायरस नहीं पहुंच पाया। वैसे यहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशियन में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड धरती के सबसे सेक्लूडेड जगहों में से एक है, यानी जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात कोरोना के दौरान की गई वो पहले से इस आइलैंड के लोगों ने पूरी दुनिया से बना रखी है। अगर कोई यहां गलती से आ भी जाए तो यहां के लोग उसे जिंदा वापस नहीं जाने देते। तो जब कोई यहां तक पहुंचे कहीं नहीं तो कोरोना वायरस कैसे इस आइलैंड में एंट्री कर पाएगा। इस आइलैंड पर वहाँ के लोकल ट्राइब के लोगों के अलावा कोई दूसरा नहीं रहता। यहाँ टोटल 350 से 400 लोग ही रहते हैं और बाहर के किसी शख्स को देखते ही वो उसे तीर मार देते हैं, क्योंकि आज भी इस ट्राइब के लोग लड़ाई के लिए तीर कमान का ही यूज करते हैं। और इस आइलैंड पर ये ट्राइब पिछले 60,000 सालों से भी ज्यादा वक्त से है। जो भी इस दौरान ट्राइब के करीब आया वापस नहीं लौट पाया उसके मरने की खबर आई। इनके इलाके के 3 मील के एरिया में अगर कोई दिख जाए तो ये उसे दुश्मन मान लेते हैं। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है या कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन भी। इन लोगों ने कई बार प्लेन और हेलीकॉप्टर पर पत्थर भी फेंके हैं और तीर छोड़े हैं। ये खुद को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रखते हैं और यही वजह है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी यहाँ कोई बीमार नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।